दिया था हमने तो बोला लोग स्कूल है इसलिए तब और भाई दबा दिया था उन लोगों को। आप बहुत जबरदस्त आठवें ओवर में तब आपको मजा आया बॉस तुम्हारा रन रेट अच्छा है अभी अपने को क्या चीज दे रहा है बट ही शुड हैव गिवन बॉलिंग क्लियर क्यों खराब डाला है जयका कैच लेकर वो मेरे ओवर में वेर इज भव्य बाफना भव्य अरे भाई वो ओ दादा साफ सफाई वाला कौन है इधर साफ सफाई वाला आप लोग है थोड़ा नीट क्लीन रखो ना यार थोड़ा बाथरूम वाथरूम अच्छा रखो क्लीन रखो अरे यार वेर इज कामदार कामदार कूपन आपके पास है तो कामदार भाई आप उधर चेयर लेके बैठ जाना है ना क्या बोलेंगे भावेश का भी वही मैच था भावेश रुक गया अभी एक दिन का आ जाएगा वो क्या बोला क्या वो साढ़े उसका बॉलिंग के लिए आ जाएगा वो उसको क्लीन करना बोलना फोन को थोड़ा क्लीन नहीं है क्या टॉयलेट पर उसको एक बार फोन कर फिर 10 बार बोला है उसको उन्होंने सब सामान भी लाया ये साबुन नहीं है उधर क्या साबुन लाया क्या है तो सही सीधा अपने पूरा सब अरे तो उधर नहीं है उधर को उठा के लेके जाएगा तो मैं क्या होता है एक दो लाइफ बॉय साबुन है क्या सादा वो रख दो होगा तो हाँ दो दो मंगा के उधर दो तीन रखी दे छोटा वाला हाथ क्योंकि ये बॉटल कोई उठा के लेके चले जाएगा आज मार्केट चालू है नहीं नहीं ये चालू है भाई ऊपर है सुशील में अकाउंट किसका हाँ मेरा सुशील में स्पेशल सेशन है ना यार मेरे को कुछ तो आया रे शेयर एक्स्ट्रा शेड्यूल हां 6250 मेरे को ये मिला शेड्यूल ऑर्गेनाइजर साउथ बैंक 6 तारीख से वो राइट आया Thank you.
आफ्टर वन ओवर सिक्स। अरे भाई रिक्वेस्ट है थोड़ा फील्ड प्लेसमेंट में फास्ट करे। एचपी द रन मेकर्स का नाम एकदम सही है, इनमें लाइन लगा के रन मेकर्स है और सचिन इज वन ऑफ देम, वेरी गुड ऑलराउंडर, 100% टीम मैन। प्रणय कच्ची है लेकिन दिल का रॉयल है। प्रणय भाई इज अ वेरी गुड ओनर एंड अ वेरी गुड मारवाड़ी को बहुत कंजूस बोलते हैं इसलिए जानबूझ के बोला। अरे हाँ आप भी इसके लिए पूछा उसने, मालूम मेरे को, मैं भी जानबूझ के बोला भाई। अभी अभिषेक भाई हर बॉल पे फील्ड चेंज करेंगे और 12 रन ना दे दे बस पेनल्टी के। अंपायर जरा लवकर गया, यांना वार्निंग दिया था, लय झालं। याला मराठीत म्हणता हाराकिरी, अंगावर घेतला अंगावर शिंगावर, काय गरज नव्हती रनाची आणि ही विकेट फेकून दिली। याला शुद्ध मराठीत म्हणता आत्महत्या। लव तुमच्या नावात रक्त आहे, लव म्हणजे रक्त, बिना रक्त सांडता तुम्ही परत येऊन गेला। अभी मैं कमेंटेटर हूं, न्यूट्रल हूं, लेकिन एक बात बताता हूं, वॉच दिस प्लेयर टिल द लास्ट, ही विल बी द बेस्ट ऑलराउंडर टू वॉच, वेरी इंटेलिजेंट, विल हिट द बॉल ऑन द मेरिट्स। ये ऐसी फील्डिंग टीम है, हर गेंद पे फील्ड सजावट चेंज करती है। मैंने एक गेंद पहले ही बोला था, ही इज अ फील्डर टू वॉच, बाकी सबने उनको सिर्फ साथ देना है। सचिन सेठ रन बनाने में है सेट। प्रणय क्रीज पर उभो रहे जे। बस। तीनों बाउंड्री, वन ऑफ द बेस्ट बाउंड्रीज ऑफ द डे। वो फील्डर जितना टाइम फील्डिंग सजावट में उतने कम समय में बाउंड्री मारते हुए। मैंने आपको बोला था वॉट अ फॉर, सब जन जोरदार ताली बजाओ, पहला चार बाउंड्री एक ओवर का। सचिन सचिन सचिन, मुझे अत्यानंद आ रहा है बैटिंग देख के। ले लो वापिस, बहुत अच्छा, एक जिगर ने एक रन बचाया लेकिन एक गलती की, एक ही रन देने से वापस बैटिंग पे सचिन। व्हाट इज द स्कोर आफ्टर वन ओवर? आफ्टर टू ओवर द स्कोर इज 23। विशाल भाई के लिए खुशखबरी है,
ये खुशखबरी है कि होस्ट कल आने वाले हैं और जीतू भाई पार्किंग में गेट पे खड़े। कल सबको रिक्वेस्ट है कि विशाल भाई भाभी आएगी तो विशाल भाई की तानने गए। अरे उसकी वाइफ आएगी ना तब वो उसकी भाभी आएगी, भाभी टू। विशाल भाई की भाभी टू आने वाली। किसको मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना, बोलू क्या? दिस विल बी द कंटेस्ट टू वॉच, अभिषेक टू सचिन। अंपायर ओवर रेट जरा बघा प्लीज, रिक्वेस्ट। इसको पिट डालेगा ये देख लेना। बहुत ही अच्छी गेंद अभिषेक की। अगला मैच है इनफाइनाइट और कंपोनेंट मास्टर्स। सचिन बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, उनको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, और अभिषेक ने बहुत अच्छी गेंद डाली दोनों। अभी मारेगा मारेगा, क्या पावर है भाई, क्या पावर है, बहुत शानदार शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा अक्रॉस द ग्राउंड स्ट्रेट टू फील्डर। कौन है फील्डर? भव्या। हा 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 हा, प्रणय भाई ने बहुत शानदार तरीके से एक रन लिया। एक्चुअली यही करना है, एक रन लेके सचिन को स्ट्राइक देना है। जीतू भाई आ गए तो विशाल भाई खुश हो गए। अरे यार क्या, बांध रे बांध रे। अच्छा सुनना, ये अभी ट्रॉफी जो देने का है ना, अभी अपने अपने में से दिलाओ, अगर कोई नहीं आ रहा। अभी जीतू लॉजिटेक वगैरह के हाथ से नहीं दिलाने का। नहीं, बता रहा हूँ मैं। हाँ अपन नहीं दे देंगे, कोई नहीं आया तो अपन ही देंगे। कोई बड़ा आवे ना मार्केट का तो ठीक है। अभिषेक ने ललचाया सचिन को, लेकिन सचिन एक बहुत मैच्योर्ड बैट्समैन है, उन्होंने सिंपली एक रन लिया। और ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के बाद स्कोर 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 मैडम स्कोर, तीन ओवर 28 रन, सही जा रहा है। चार को रखा है ना, तू गुरु की बात नहीं जाएगी। जीतू भाई है ना सपोर्टिंग, आप जीतू भाई आ गए, आ गए पीछे दो डलवाएंगे, एक माहौल होता है टीम का हमारा। अरे नहीं नहीं वो बराबर है यार, उनका नंबर है ना आपके पास। बारह में नहीं था क्या पक्का? क्योंकि उनका बारह हुआ नहीं तो वो दे सकते ना इड़े। एक काम कर सुन किरण, एक सेकंड एक सेकंड, गेम होल्ड करो एक सेकंड। अरे दो रन है यार, यार ये क्या दो रन था एक्चुअली।
तीन ओवर 28 रन अच्छा था स्कोर नहीं पर वांदा नहीं है यार तुम्हारे पास बैटिंग है ना पीछे ठीक से वांदा नहीं अगला मैच इनफाइनाइट और कंपोनेंट मास्टर्स में है क्या हुआ तुम्हारा मैच का जीत जाएंगे ना 110 ही मारा तो फिर नहीं जा रहा हूँ इसके लिए बैठने नहीं थ्री हेलो 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 और योगेश वोरा अगली गेंद रिवर्स स्वीप मारते हुए और ये बढ़िया कैच हो सकता था पर बहुत ही आसान कैच ड्रॉप किया सचिन का सचिन से जो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट था सचिन सेठ का और सचिन सेठ इसी के साथ 28 रन पे खेल रहे योगेश वोरा अगली गेंद और ये फुल लेंथ लेग साइड की और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन और ये स्लो बॉल डालने की कोशिश फुल टॉस गेंद थी मिस कर गए बैट्समैन प्रणय जो टीम ओनर है प्रणय गाला और ये बढ़िया डेलीगेट कट कर दे एक बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ और इसी दो रन मिलेंगे प्रणय को और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे और ये काफ़ी रोमांचक टूर्नामेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रीमियर लीग काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इसमें कमेटी मेंबर्स राहुल बम विशाल दत्तानी अंकित मेस्वानी यतीन दोषी टाइगर सिद्धार्थ बम विपिन भाई वोरा सपोर्टेड बाय कमलेश भाई कामदार दक्षेश एंड ऑल द ओनर्स एंड द प्लेयर्स किसी भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है और काफ़ी अच्छे नंबर्स में पार्टिसिपेशन हुआ है और अगली ओवर अभिषेक रांका अगली ओवर लेके आए पहली गेंद काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी बॉल और ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 5वीं ओवर और ये और एक वाइड बॉल गिरकर बाहर और की जाती है ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है गेंद और ये बढ़िया शॉट और एक कैच ड्रॉप दो कैच ड्रॉप हुए पारस द्वारा और इसी अभिषेक थोड़े नाखुश दिखाई दे रहे हैं और ये हुक मारने की कोशिश प्रणय द्वारा पर हाँ
और एक कट मारने की कोशिश, बॉल मिस कर गए। काफी बढ़िया गेंदबाजी अभिषेक रंका द्वारा, बॉल गिरकर बाहर, ऑफ स्टंप की बाहर निकलती हुई। और ये काफी बढ़िया शॉट पर एक ही रन मिलेगा, काफी मजबूत फील्डर वहां फील्ड करते हुए। और कैप्टन रेडी विद वाटर बॉटल, गिव सम इम्पोर्टेंट मैसेज टू बैट्समैन। और वेरी गुड डिलीवरी जस्ट पिचिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड एंड ऑफ द ओवर। द स्कोर इज 44 रन एट अ लॉस ऑफ वन विकेट। सचिन सेठ इज प्लेइंग ऑन 30 रन। और पांच ओवर समाप्त हुए और स्कोर हुआ 44 रन। और डगआउट में हेमंग भाई बहुत खुश नजर आते हुए, 11 रन के रन रेट, 11 का नहीं है पर 9 का तो है ही, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। एचपी द रन मेकर्स और हमारे डगआउट में बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर और ये कमेटी से काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि फॉर्मेट चेंज करनी चाहिए। और राहुल भाई पांच ओवर की कमेंट्री संभालेंगे। ये अभी तक के टूर्नामेंट में जो मैचेस हुए बहुत क्लोजली फाइट आउट थे और ये मैच में पांच ओवर में 44 रन, ये हाईएस्ट है अभी तक। अभी इनको जरा दौड़ के दो दो रन लेने ही पड़ेंगे। पारस तू प्रणय, अभी प्रणय अपने टीम के ओनर है और वो कोशिश कर रहे आउट होने की, जिससे खतरनाक बल्लेबाज अंदर आए। पारस बहुत बेहतरीन डिसेप्टिव बॉलर है, ओल्ड हॉर्स। प्रणय का बहुत जोरदार शॉट था, हवा के वजह से कैरी नहीं किया और योगेश भाई ने बहुत ही शानदार कंपोज होके कैच लिया। एक्सेलेंट बॉलिंग एंड कैच। अभी ये श्रेय बैटिंग के लिए, दोनों भाई बहुत अच्छा खेलते हैं, श्रेय एंड विशेष 100% कमिटेड प्लेयर्स। प्रणय गुड शॉट, हार्ड लक बट बेटर फॉर द टीम। श्रेयस श्रीमान
नहीं नहीं हो ही जाएगा ना पांच मैच। अरे तेरा चार बजे हो जाएगा मैच, मैं बता रहा हूँ तेरे को। बस भेजो यार कल। और कल का क्या शेड्यूल है भाई? कल पूरा दिन है भाई। लटकेंगे ये लोग, लटक जाएंगे ये लोग, लटक जाएंगे। एसपी लटक ना जाए। अभी ये मैच का पहला हैट्रिक पे आ गए अपने क्या नाम है बॉलर पारस वीरा। मैं आपको पहले ही बोला ये डिसेप्टिव बॉलर है। दो कैच छोड़े पर दो विकेट लेके मैच को गेम में। पारस भाई ने दो कैच जरूर छोड़े लेकिन दो विकेट लेके गेम में आ गए टीम के लिए। काय को चांस है मेरा गाड़ी को चाबी जीत लेके जाना है ना, मेरे गाड़ी किट भी सब है बस फिर कोई वांदा नहीं है। इसे कहते हैं समझदारी। ओवर की समाप्ति, दोनों अंपायर आपस में डिस्कस करते हुए और उन्होंने डिसाइड किया है कि बल्लेबाज आउट नहीं है। बगल में से गई गेंद या कुछ छूके गया तो वाइड नहीं दिया है। ये स्कोर क्या है? स्कोर वन ऑफ द बेस्ट ओवर। ये ओवर में दो रन और दो विकेट, छह ओवर 46। एक्सेलेंट पारस भाई, बिग हैंड टू पारस। ये छह रन, ये नॉर्मली कोई दूसरा करता तो मैं एक्सेप्ट करता पर अभिषेक इज एक्सेलेंट। पता नहीं क्या सोच रहे थे। राजू भाई का क्या, एक नंबर।
अभी क्रिकेट में अभी होते रहता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भूल के आगे बढ़ना होता है। कौन सा राजू भाई? ये ले लेगा, ये थोड़ी छोड़ेगा, हलकट है ये। कौन आउट हुआ? एक्सेलेंट बैटिंग करके सचिन के कितने रन बने? एक्सेलेंट, 37 रन बना के सचिन, वेरी गुड बैटिंग बाय सचिन, 37 रन्स, टुडे इज सेकंड हाईएस्ट। अभी जो बल्लेबाज गए वो टाइगर के खास है, पहली बार टाइगर के टीम में नहीं है। विपिन भाई भी ओरिजिनल टाइगर है, वो टाइगर के साथ टाइगर। हरीश भाई फेवरेट ऑफ यतिन भाई, नाउ विथ अनदर कच्ची दोस्त प्रणय भाई। योगेश ने बहुत ही बहु कीमती विकेट लिया है सचिन का। नाउ योगेश विल बोल टू हरीश, बहुत अच्छी गेंद और हरीश ने एक रन के लिए उसको मारा है। और विपिन अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद बहुत अच्छी तरीके से रन लेते हैं, सेकंड रन के लिए मुड़ चुके थे लेकिन हरीश ने ना बोला। आफ्टर सेवन ओवर द स्कोर इज, स्कोर आफ्टर सेवन ओवर द स्कोर इज 57। अभी दो जोरदार बल्लेबाज है और अभिषेक के दो ओवर हो चुके हैं, पारस का एक ओवर बाकी है। ए विशाल क्या स्कोर क्या है दोबारा? वाइड से शुरुआत, क्या स्कोर है देखना? ये लोग ने 62 बनाया ना, ये लोग ने 62 बनाया ना, हां और हम लोग 64 बनाया। आराम 25 पे एक रे हो गया रे, अभी क्या जाने की जरूरत नहीं है, 25 पे एक है, 4 ओवर देखो जाने का जरूरत नहीं है। कौन है बैटिंग में अभी? दूरी और मार्शी। अरे छोड़ ना अभी, भाई को अभी मयंक रोशन सब है क्या? अमरीश सब है, फिर छोड़ ना अभी, अभी तेरा जरूरत नहीं है, छोड़ अभी, जरूरत ही नहीं है। अरे चलो, लेकिन मैच कभी है? चालू है ना? नहीं दिया, नहीं देगा ना। 59 हो गया, 59 चार विकेट इधर का आ रहे हैं। अच्छा इधर का, उधर तो ये ना दो तीन विकेट के ऊपर नहीं जाएगा। ए विशाल विशाल विशाल, आज की गेम वापस अपना टीम मीटिंग करते हैं, सब एजेंसीज को बोलना कल टाइम पे चाहिए। पहला मैच कितने बजे? 8:30 क्या लेना अपने को? ना थोड़ा देने का, मस्त बॉल डाल रहा है वो, छोटा बना रहा है वो। अरे राहुल भाई, मेरा एक सजेशन है, कल तुम खिलाने वाले हो, बराबर है, 4-5 बजे हो जाता है तो चालू नहीं करना, चालू करेंगे तो कल का फिर 8:30 होएगा अपना डिनर के बीच में, जो बाद 1 घंटे ये वाला 10-12 ओवर
आई हैव सीन द बेस्ट फील्डिंग टुडे। अभिषेक ने जोरदार ग्राउंड कवर किया और जो श्योर शॉट बाउंड्री थी उसको दो में कन्वर्ट किया। तालियां अभिषेक के लिए, डेफिनेटली अ जेम ऑफ अ फील्डिंग। दिस इज द वे टू लिफ्ट द टीम। एक्सेलेंट अभिषेक भाई। मैं हमेशा से मानता हूं वजन से कुछ नहीं होता है, अंदर स्पिरिट चाहिए। और विपिन भाई का स्पिरिट देखिए, दो दो रन तीन बार दौड़े। बिग हैंड टू विपिन भाई। अरे मैं मेरी तारीफ मेरे मुंह से क्यों करूं। एक्सेलेंट विपिन भाई, कीप इट अप। व्हाट इज द स्कोर आफ्टर एट ओवर? आठ ओवर के बाद 66 67, 8 ओवर 67। हरीश हरी भाई, द स्कोर इज 67, सॉरी करेक्टेड 66। हाँ ठीक है रे, हो जाएगा। 110 ही है ना, 50 हो गया ना। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार एक ही रन लेंगे। स्ट्राइक हरीश भाई को दे रहे हैं। अगली गेंद और इसी के साथ हरीश आउट। अभी हरी भाई आउट भी आए हुए हैं। अभी टूर्नामेंट के हीरो स्पेशलिस्ट बैट्समैन गुरुजी, he is a best human being, lovely player, lovely friend, thoda ghaigardi karte hai baki bahut acche insaan hai। ghaigardi ye kya hai 46 batting kya chhoota tha na uska chhoot ke pakda wapas nahi nahi watch kitne din dekh rahe kaisa malum padega। क्या आउट हो गया?
अभी दिख रहा है देखो, ये लाइव चालू करो थोड़ा देखना, लाइव को एक डालो यार, 70 पे 5 कल्पेश भाई आप देख रहे हो और अच्छा कमेंट दे रहे हो, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर क्या है? एक्चुअली एक्सपेक्टेड था 90 प्लस का और प्रणय भाई ने बोला भी था कि 90 प्लस, अभी ये ओवर में अगर 20 रन बनते तो हो सकता है। अभी गुरुजी अपनी बल्लेबाजी का सबको प्रदर्शन करेंगे, ही इज अ वेरी टैलेंटेड ऑलराउंडर। आखिरी ओवर कौन डाल रहा है? भावेश कावेडी। भावेश कावेडी विल बोल द लास्ट ओवर ऑफ दिस इनिंग्स एंड ही विल बी बोलिंग टू गुरुजी। शुरुआत वाइड से, अभी गुरुजी जब बैटिंग को आते तो बॉलर थोड़े खौफ में रहते हैं। What a bowling by Bhavesh and Guruji is gone. for the loss of 6 wickets and last 5 balls of the innings. Guruji got out. ये ओवर्स ये गेम में 12 मिनट पीछे चल रहे हैं तो 12 रन का शायद पेनल्टी होगा। तो इमाजी निकल थे ना, इजाजी भी पैक करने आए हुए थे ना। हाँ अच्छा, रिक्वेस्ट टू ऑल, जिसका अभी मैच नहीं है लंच रेडी है, यू कैन टेक द लंच, लंच इज रेडी, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हैव द लंच। लंच इज रेडी, कमलेश भाई लंच रेडी है? पराग पराग शाम को कितने बजे कहाँ? तू बोल देखो फोन कर, 7:30 बजे ब्रेक मतलब इधर ही रहेगा, मैं फिर किधर जाएगा नहीं, मैं घर पे ना उसके, अरे उसके घर पे जाएगा तो वो खाने को छोड़ेगा नहीं बाहर, तो अपन 5 बजे तो खत्म हो जाएगा। हां तो मैं मुलुन चला जाएगा, छोड़ नहीं 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 अपन चलते हैं। लंच इज रेडी, ऑल कैन हैव द लंच सो दैट यू कैन बी लाइट, लंच इज रेडी। हमारे मार्केट के अमजद खान आ रहे हैं।
या यू कैन एक्सचेंज फॉर फील्डिंग। पराग खाना रेडी है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, घर पे चल फ्रेश हो जा, खाना खा के द स्कोर इज हाउ हाउ दीपक भाई, नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम भाई। खाना तैयार है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हैव द लंच। व्हाट इज द स्कोर? व्हाट इज द फाइनल स्कोर? कितना? 76। द टारगेट इज 77। कुणाल हेलो, नेक्स्ट टीम प्लीज गेट रेडी फॉर द टॉस। हेलो, कौन खाना खाने गए? पराग भाई फुर्सत वाला आने में। पराग भाई पराग भाई कॉइन दे कॉइन। अरे टॉप फोर लो ये टीम का। टॉप फोर लिया ये टीम का, टॉप फोर लिया। नेक्स्ट टीम सुजान भाई टॉस कर लेना फिर जाना। कल्पेश भाई टॉस आयो। The fourth match of the day one between Infinite Strikers and Component Masters. नीचे गिराओ। Now the fourth match is between Master Blasters and Infinite Strikers. Toss ka boss Yatin Bhai from Darpan Enterprises. Suzan calls tails and it is tails. Okay, Master Blasters opt to bowl first. Thank you.
इनफिनाइट स्ट्राइकर्स बैट फर्स्ट। अरे सागर बहुत टाइम ले लिया है। अंपायर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सर। चल सर हरि चिप चल खड़ा होगा तो क्या करेंगे।
रक्षेश भाई दक्षेश भाई, ओ दक्षेश भाई, अरे मनिया कौन रहा है अपने में बैठ कौन रहा है बाहर कौन है टीम के बाहर कौन है अरे चीफ का कोई अभिषेक तेरा एक प्लेयर भेजना ऊपर बुला स्कोरर
पानी बोला आ रहा है। स्कोर स्कोर 2 ओवर 17 रन ना 2 विकेट 2 ओवर 17 रन 2 विकेट।
बैट्समैन यंगेस्ट और ओल्डेस्ट राजू भाई 66 इयर्स ओल्ड, भव्य 14 इयर्स ओल्ड। अरे खाना ज्यादा हो गया। ऑल शुड एप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ राजू भाई, इस उम्र में भी गर्मी में दो दो रन दौड़ रहे हैं यार। गुरुजी टू भव्य एंड व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। गुरुजी ने अपील कम की, बाद में ये बोला कि पैसा तो मैं ही देने वाला हूं। ये गुरुजी का कमाल है भाई, उनका बॉल का स्पीड इतना डिसेप्टिव होता है और वो इतने फास्ट होते हैं कभी कभी कि होस्ट भी चकरा जाते हैं। After four over the score, चार over 30 runs, 3-0. आपको सबको रिक्वेस्ट है जिसका मैच अगला नहीं है जाके 30 हुआ ना 77 का टारगेट। ग्रुप में डालना और कमलेश भाई का सब प्लानिंग है खाने। नहीं नहीं अपना अपना वो महाराज तो मैं कम से कम 25 काम किया छोटा, 50 लोगों के लिए बेस्ट है। रिक्वेस्ट है सभी को कि लजीज खाने का मजा लीजिए। अरे अभी किरण भाई, वो किरण भाई अभी आप कस्टर्ड खाना, फ्रूट कस्टर्ड खाना रेडी है। जिसका अगला मैच नहीं है रिक्वेस्ट, आप खाना ले सकते हैं। और राजू भाई ने घुमा के एक रन के लिए गेंद को फेंक दिया है, सुपर्ब। और दूसरे रन के लिए जा रहे, थोड़ा मुश्किल होगा बट दौड़ चुके हैं और आउट हो गए। उन्होंने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया, दिस इज द स्पिरिट। वेल प्लेड राजू भाई, बिग हैंड टू राजू भाई। राजू भाई वेल प्लेड सर, रियली एप्रिशिएट द एफर्ट, द रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दिस इज व्हाट मेक्स द गेम मोर एंजॉयबल। राजू भाई अगले ऑर्डर में 5% डिस्काउंट, लेकिन एमओ क्यों रहेगा साथ में। राजू भाई वेल प्लेड, जोरदार डालिया राजू भाई के लिए। What a exemplary player is, a team man is. आप सोचिए किरण भाई के टीम में राजू भाई है और राजू भाई एक शब्द भी नहीं बोलते। किरण भाई ने अपने टीम को बहुत अच्छी से बिल्ड किया है। उनका स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल था, व्हाट्सएप पे लगे रहो, पीछे काम करते रहो। बहुत अच्छा। कौन है अभी, अभिषेक गया ना, द न्यू बैट्समैन इज अभिषेक। इफ ही स्टेज टिल द एंड, द चांसेस ऑफ चीप चैलेंजेस इज वेरी ब्राइट। प्रणय द ओनर ऑफ एचपी द रन मशीन, अ वेरी गुड बॉलर, और बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये आउट। बहुत अच्छा शॉट था, हाफ हार्टेड था, लेकिन अगर थोड़ा स्विंग ज्यादा मिला होता तो 6 रन के लिए जाता। और प्रणय ने क्रूशियल विकेट लिया है भव्य का, जिन्होंने पहले इनिंग में अपने टीम के लिए शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी भी लिया था और टीम को जीत भी दिलाई थी। अभी जो नए बल्लेबाज है वो दिखते 22 के है, 72 के, सॉरी 52 के, योगेश वोरा।
22 के दिखते हैं 52 के। अभी ये दोनों को 2-3 ओवर तक गेम को खींचना होगा, मुश्किल नहीं है टारगेट। लेकिन एचपी के पास बहुत अच्छे बैट्समैन है और ऑलराउंडर्स है, लाइक सचिन, हरीश, खुद प्रणय, गुरुजी, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। प्रणय टुक द वेरी क्रूशियल विकेट ऑफ भव्या। नए बल्लेबाज क्रीज पे योगेश, उनको गेंद करेंगे प्रणय। बहुत ही अच्छे तरीके से शॉट मार के और उतनी अच्छी फील्डिंग और एक ही रन मिलेगा। रिक्वेस्ट, अगर आपका मैच नहीं है नेक्स्ट तो प्लीज खाना खा लीजिए, so that you will have good time to relax and rejuvenate. बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ साइड में, एक्सेलेंट शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग और थ्रो, दो रन ले लिए। कौन है फील्डर, कौन है वो नितिन फील्डर, कौन था वो? जीतू वोरा फील्डर। ओ हो हो, जीतू वोरा की खासियत है आज तक एक भी टूर्नामेंट हारे नहीं है, जो टीम में है वो टीम जीतती है। क्या बात है यार, प्रणय के तो बहुत ही अच्छी गेंद, ऑप्टिमिस्टिक अपील, गेंद थोड़ी ऊपर थी अदरवाइज अभिषेक थोड़े मुश्किल में आ सकते थे। जीतू वोरा पांचवा एडिशन में खेलते हुए और पांचों बार उनकी टीम जीती है। रिक्वेस्ट, थोड़ा जल्दी करिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। व्हाट इज द स्कोर, ओवर्स एंड रन्स आफ्टर 5 ओवर्स? 5 ओवर के बाद 35 रन, अभी 5 ओवर में चाहिए 43 रन्स। अच्छा ओके, तो 78 चाहिए ना, 42 टू विन इन 5 ओवर्स गेटेबल है, नॉट अ बिग आस्क। आफ्टर 5 ओवर्स इट्स अ ड्रिंक ब्रेक ऑफ 45 सेकंड्स, 49.5 सेकंड हो गए। प्लीज जरा जल्दी बाहर आइए विपिन भाई, सभी दर्शक को रिक्वेस्ट है कि पांचवे मैच के एंड तक प्लीज ग्राउंड पे बने रहिए, चौथे मैच के बाद कृपया करके घर मत जाइए। अभी आप नहीं, नहीं आप रुको ना यार, ऐसा थोड़ी है किरण भाई, अभी आप ही ऐसा बात करेंगे तो क्या मजा आएगा। अरे सुन मेरी बात, ये तो नहीं जाएगा, हमारे प्लेयर जाएगा। नहीं आप रिक्वेस्ट करो ना, कोई नहीं जाएगा। इट इज रिक्वेस्ट टू द टीम चिप कि उनका तीसरा मैच है, घर पे ना जाए, आखिरी तक यहीं रहे। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। किरण भाई प्लीज टेक केयर ऑफ योर टीम टू बी ऑन द ग्राउंड टिल लास्ट बॉल इज बोल्ड। सचिन भाई नाउ, बहुत अच्छी से बॉलिंग डाली और बहुत अच्छी फील्डिंग और वो दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन वो जीतू भाई ने सेटअप किया था उनको, उनको पता है योगेश भाई थोड़े फास्ट है। कोई हारागिरी की जरूरत नहीं है, 8 रन चाहिए प्रति ओवर। बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ा मिसफील्ड की वजह से 1 रन चला गया, एक एक रन बचाना जरूरी है।
एक्सेलेंट एक्सेलेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये योगेश भाई रैबिट से भी फास्ट दौड़ते हैं, थोड़ा भी मिस्टेक यू विल पे फॉर इट। नजर हटी दुर्घटना घटी। इनके जवानी का राज किरण भाई को पता है। वो बहुत अच्छी गेंद लेकिन लेग साइड पे जा रही थी और चार रन के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, ब्लॉक आउट में थी लेकिन थोड़ी लेग साइड पे थी और ये चार रन के लिए गेंद चली गई और ये बहुत ही कीमती चार रन। अभी किरण भाई बोल रहे हैं मेरा टीम फाइनल में आया तो सबको 2 नाइट 3 डेज गोवा। विपिन भाई, ओ विपिन भाई चीप का स्ट्रेटेजी देखा आपने को बिजी रखा। दो गेंद में दो बाउंड्री और क्या चाहिए भाई, जैसा मशीन मनीष ने गेम पलटा था। हाथ में रख मत, हरीश भाई ने सही बोला हाथ में मत रख भाई। व्हाट इज द स्कोर आफ्टर 6 ओवर्स? कितना? 48 ना, 24 में 29। 6 ओवर के बाद 48, अभी 4 ओवर यानी 24 गेंद में 29 रन चाहिए। फिफ्टी वन इज द स्कोर और इस तरीके की फील्डिंग वोंट सर्व द पर्पस भाई। कौन थे ये जानदार फील्डर? प्रजापति। अच्छा, अभी ये बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सेटअप किया। मुझे फीलिंग आ ही रही थी गुरुजी ललचाने वाले। व्हाट अ ग्रेट ऑलराउंडर गुरुजी इज। अभी जो बल्लेबाज है सागर, इनका नाम लेते ही मुझे हमेशा मिका की याद आ जाती है। किसी भी गेम में किसी भी तरह का गेम को घुमा सकते हैं। रात को चालू करते हैं मैसेज डालना।
कल बुलाओ फैमिली को, जरा मजा करते हैं यार। कमेंट्री, मेरे कमेंट्री पे बहुत आ रहे हैं भाई। विशाल अगली गेंद, नए बल्लेबाज सागर, वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिव बैट्समैन ऑफ अवर मार्केट। और पहले ही गेंद पे घुमाने गए। गुरुजी बहुत अच्छे लय में बॉलिंग डाल रहे हैं और कल का उनको काफी बेसब्री से इंतजार है। फेंक दे भाई, फेंक दे, फेंक दे। बहुत अच्छी से फील्डिंग करके फेंक दिया है। एक्चुअली वो जगह पे कोई, गुरुजी ने मेरे को एक ही बात बोला, राहुल भाई आज जो करना है करो, कल दोपहर तक करो, शाम को माइक मेरे पास। उनके खास फ्रेंड आने वाले कल। व्हाट अ एफर्ट, यही एफर्ट से है ना टीम का उत्साह बढ़ता है। What is the score now? 7 over 53 run अभी चाहिए कितना? 18 गेंद में 24 run। और अभी जो बॉलर आए वो जीतू वोरा, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। वो रोटरी में सीजन क्रिकेट, पायाडे में क्रिकेट, फलाना क्रिकेट, ढिकना क्रिकेट, और ये हमेशा जीतने के लिए जाने जाते हैं। आज तक कोई भी टूर्नामेंट ये जो खेले है उनकी टीम ने ट्रॉफी जीती है। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट है और बहुत अच्छी फील्डिंग की और 2 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया। योगेश भाई बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गैप्स को ढूंढ रहे हैं और बॉल को आखिरी तक वेट करके देन फिर अपना शॉट क्रिएट कर रहे हैं। फंटास्टिक वे टू प्ले द क्रिकेट। व्हाट अ बॉल, गुड कमबैक बाय जीतू भाई। 2 गेंद में 2 ही रन आए, बहुत अच्छी फाइट चालू है। सचिन ने बहुत ही शानदार तरीके से बॉल अटेम्प्ट नहीं किया, बॉल को आने दिया और 1 रन भी बचाया, अदरवाइज बहुत बार बाउंस होकर बाउंड्री चले जाती है। दिस इज द वे द क्रिकेट इज प्लेड ऑन टेनिस। सुपर फील्डिंग बाय सचिन। नाउ जीतू टू सागर और बहुत ही जबरदस्त शॉट मारा है और बहुत अच्छा फील्डिंग किया है और अपने टीम के लिए 2 रन बचा लिए। कौन है वो फील्डर? हरीश गाला। वाओ ग्रेट, सुपर कमिटमेंट। प्रणय गाला ओनर, हरीश गाला कैप्टन। बहुत अच्छी गेंद डाली और ये बहुत अच्छे फील्डर है और उन्होंने पकड़ के फेंक दिया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज ये क्या खा के आते हैं योगेश भाई पता नहीं है। उनके एंड पे तो फेंको ही मत भाई। और उनको भव्य अच्छा मिल गया ना, भव्य में एक मैच निकाल के गया उनको। नहीं भव्य मिल गया ना बोनस। आउट है, नजदीक है, नजदीक। मैं आपको बता रहा हूं ये बल्लेबाज के लिए आप अपील भी मत करो, ही इज एज फास्ट एज रैबिट। एज पर द रूल्स वाटर इज नॉट अलाउड, अंपायर रिक्वेस्ट। अंपायर अभी अभी आया बल्लेबाज, 1 ओवर बाद पानी क्यों देते हो?
सबसे ज्यादा दिमाग फोड़ी यही टीम का है, ओनर से लेके सब कुछ। पीछे बैठे मेरे किरण भाई, गाली गाल में हंस रहे, जवान पे बहुत गाली दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे। अभी किरण भाई है ना, किरण भाई जितने दिल के अच्छे इंसान है, दिमाग के फोड़े हैं। हमारा हमको जो ट्रेनिंग दिया है ना उन्होंने, अभी सारा हम वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम कर सकते। अभी तो किरण भाई बोल रहे पिक्चर बाकी है। अरे आप पिक्चर कितना भी करो, प्रोड्यूसर तो हम ही, आप टेंशन मत लो। किरण भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम है, टेंशन मत लो आप। जीतू गुड ओवर, आखिरी ओवर तेरा है। ये स्कोर क्या है सर? किरण भाई स्कोर 8 ओवर 61, कितना चाहिए 12 में? 2 ओवर 16 रन, मैच सेटअप, हर मैच आखिरी तक जा रहा है। ये जीतू सचिन सेठ जो शानदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने, प्रॉब्लम यही है सागर का, बहुत शानदार हिट है, बॉल इतनी फास्ट गई कि 2 रन नहीं मिले, 1 ही रन मिला। सभी को रिक्वेस्ट है ये मैच के बाद दोनों साइड के प्लेयर जाके अपना लंच ले लीजिएगा, कस्टर्ड खत्म हो जाएगा। व्हाट अ बॉल एंड फंटास्टिक फंटास्टिक बॉलिंग। थोड़ा ऑफ में था पिच, थोड़ा ऑफ में किया, वेरी क्लोज कॉल। सचिन इज अ वेरी एथलेटिक ऑलराउंडर, वेरी गुड फील्डर, बैट्समैन और बॉलर, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट। और बहुत ही जोरदार, लेकिन व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच बाय जॉय बाफना। कल ही हमारी बात हो रही थी कि सबसे अच्छे फील्डर कौन है, मैं बोला सबसे डी रेटेड है जॉय बाफना, उन्होंने मैच का कैच लिया है, व्हाट अ कैच। और सागर जैसे महान आतिशबाज बल्लेबाज का विकेट लेना कोई साधारण बात नहीं है, और ये पहली बार नहीं है। जॉय हमेशा ही इज द मोस्ट अंडर रेटेड प्लेयर, अपने फील्डिंग से टीम को जिता देते हैं। अभी जो बल्लेबाज आए हैं वो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, गैप्स में खेलेंगे तो वो भी कमाल कर सकते हैं। 9 गेंद 14 रन। व्हाट अ बॉल सचिन ने, एंड इज आउट LBW, स्ट्रेट बॉल थी मिडल स्टंप पे, देयर इज नो चांस, और सचिन इज ऑन हैट्रिक, सचिन इज ऑन हैट्रिक। अभी जो बल्लेबाज आया उनका नाम है अर्जुन, उनका निशाना एकदम महाभारत में जब अर्जुन थक गए थे तो उनके पास कृष्ण थे, उनके कृष्ण है चिपके किरण भाई। बहुत अच्छा गेंद, और प्रणय ने गलत, प्रणय से बॉल छिटक गई और 1 एक्स्ट्रा रन चले गए। प्रणय भाई अभी से जीत की खुशियां मनाने में शायद, क्या कितना बॉल कितना रन चाहिए? 7 बॉल 12 रन। व्हाट अ मैच यार, एक जोरदार शॉट का जरूरत है और एक विकेट का जरूरत है, दोनों में से एक जो भी आया वो जीता। ये कीपर कौन है? कीपर
अभी ये टीम की खासियत है, इसमें गाला ही गाला है। परीन गाला, हरीश गाला, प्रणय गाला, आणि त्याच्यामुळे झाला घोटाला। त्यांनी बॉल सोडला, मागे पकडलं म्हणून वाचले। मार्जिन में भी गाला है ऐसा। एक ओवर में कितना चाहिए? एक ओवर 12, 6 बॉल 12 रन। देखो एडवांटेज ये बॉलिंग साइड को कि हरीश का ओवर है, उनका राइजिंग डिलीवरी पे शॉट मारना मुश्किल है। और बैटिंग साइड को एडवांटेज ये है कि अभी भी योगेश टिके हुए हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक सभी अच्छे मैचेस हुए। 4-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 
और बाउंड्री, तो बाउंड्री तो आ गया है, अभी विकेट का जरूरत है। 5 गेंद 8 रन, ऐसे मैचेस से ही टूर्नामेंट का मजा बढ़ता है। एज पर द टूर्नामेंट रूल्स 1 2 3 4 5 6, ये बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, 6 अंदर है। मैंने आपको पहले ही बोला था योगेश भाई खड़े हैं, 4 वे 4। किरण भाई खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। अरे अच्छा मारा यार शॉट। अरे मैंने किसका रखा नहीं है पैसा। अभी हरीश भाई को आगे फील्डिंग लगाना चाहिए। 3 गेंद 2 रन, व्हाट अ गेम यार, दिस गाय हैज प्लेड सुपरबली, योगेश वोरा। व्हाट अ मैच यार, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। किरण भाई मैं क्या बोला, ये खड़ा है तुम्हारा सुपर, अभी रुकेंगे बेंच पे सब करने वाला आपको सब। व्हाट अ गेम यार,